रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मर्दान पुलिस न्यूज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सलमा शाह और मैं हूं जलवा खान। नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मर्दान पुलिस का जरायम पेशा अनासर के खिलाफ जिला भर में ऑपरेशंस जारी। तानाहर की पुलिस की कामयाब कार्रवाई, दो मुजरिमान इश्तिहारियों समेत दो मुश्तबे अपराध गिरफ्तार। तानाहोती पुलिस ने कत्ल और इकदाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुजरिम इश्तिहारी को गिरफ्तार किया। थाना साड़ोशा पुलिस ने अगवाईगी के मुकदमा में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार किया, मगविया बाजियाब। थाना लुनखोड़ पुलिस और जरगा मशरान की कोशिशों से दो फरीकैन के माबेन तनाजे को खुशसलूबी से हल किया। क्रिकेट स्टार पहर जमान का डीपीओ ऑफिस में आमद, दिल्ली पुलिस सरबरा इरफान उल्लाहान के साथ मुलाकात। पुलिस क्रिकेट टीम को पहर जमान क्रिकेट एकेडमी में तरबियत देने पर इत्तेफाक। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली पुलिस का जराइम की रोकथाम और अमन अमान बरकरार रखने की खातिर जिला भर में कार्रवाइयां जारी है। खबर शामिल करते हैं कि तानाहर की पुलिस ने एसएचओ बशीर खान की कयादत में कामयाब कार्रवाई करते हुए संगीन मुकदमात में मतलूब दो मुजरिमान इश्तिहारी और गैर कानूनी असलाह साथ रखने पर एक मुलजिम समेत दो मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल मा कारतूस बरामद होकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आपको अपडेट करते चले कि तानाहोती पुलिस ने एसएचओ अब्दुस्साजिद खान की कयादत में कामयाब कार्रवाई करते हुए कत्ल और इकदाम कत्ल के मुकदमा में मतलूब मुजरिम इश्तिहारी साजिद सकना मायार को पिस्तौल समेत गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किया। आपको बताते चले कि ताना साड़ोशा पुलिस ने एसएचओ रब नवाज खान की कयादत में जरायम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला सवात पुलिस को अगवाईगी के मुकदमा में मतलूब मुजरिम इश्तिहारी आदिल सकना मंगा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर मगविया बहिफाजत बाजियाब होकर मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया। आपको अपडेट करते चले कि दिल्ली पुलिस का अवामी तनाजात हल करने का मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। इस सिलसिले में एसएचओ ताना लुनखोड़ दरवेश हसन खान और जरगा मशरान की कोशिशों से दो फरीकैन के माबेन तनाजे को खुश असलूबी के साथ हल किया। फरीकैन और जरगा मशरान ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और हराज तहसीन पेश किया। बड़ी खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैट्समैन फहर जमान ने डीपीओ ऑफिस मर्दान का दौरा करते हुए दिल्ली पुलिस सरबरा इरफान उल्लाहान से मुलाकात की। मर्दान रीजन पुलिस में जारी स्पोर्ट्स टीमों की सिलेक्शन पर तबादला ख्याल किया। डीपीओ इरफान उल्लाहान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दौरे हाजिर में महकमा पुलिस में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आई है, जिनमें सबसे बड़ी तब्दीली आला तालीम याफ्ता नौजवानों का पुलिस फोर्स में शामिल होना काबिले जिक्र है। अब वक्त आया है कि अवामी हिदमत के साथ पुलिस के जवान कौमी खेलों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने मुल्क कौम के साथ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का नाम भी रोशन करें। मायानास क्रिकेटर फहर जमान ने अपनी जानिब से मर्दान पुलिस के साथ हर किस्म तआवुन करने की यकीन दहानी कराई और फहर जमान क्रिकेट अकेडमी में पुलिस क्रिकेट टीम के जवानों को तरबियत देने पर भी इत्तेफाक किया। अवामन्नास से गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार रखें ताकि वो आपके साथ अपने मसाइल खुल कर बयान कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि माशरे के बुरे किरदार के लोग उसको अपना दोस्त बनाकर गलत कामों में इस्तेमाल करें। बच्चों को अच्छी तरबियत देना वालिदैन की जिम्मेदारी है। वालिदैन अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत का हक अदा करके उन्हें करामत शेरी बनाने में अपना किरदार अदा करें। अवाम की तहफ्फुज़ के लिए दिन रात कोशा दिल्ली पुलिस मर्दान। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।